रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस समझेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन करके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो कुछ टाइप के सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दीज नंबर्स सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। इसमें क्या नंबर ऐड कर दिया जाए सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम नंबर एक्स ऐड कर दें सब में। अब एक्स ऐड करने के बाद ये नंबर क्या हो जाएंगे, 5 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 37 प्लस एक्स। अब नंबर तो जो ऐड करना था हमने कर दिया, तो अब ये प्रोपोर्शन में होंगे। अब अगर ये प्रोपोर्शन में हैं तो ये इस लॉ को फॉलो करेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स है वो प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स इक्वल कर देते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम नंबर्स हैं, ये दोनों मीन्स नंबर हैं, इक्वल कर देते हैं। 5 प्लस एक्स, 37 प्लस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 11 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स। अब इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 37 5 185 प्लस 37 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 209 प्लस 19 एक्स प्लस 11 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये सिंपल इक्वेशन रह गई सॉल्व करने के लिए, जिससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स नंबर ही तो हमको ऐड करना था। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 185 प्लस 42 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 209 प्लस 30 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 42 एक्स और 30 एक्स को आपस में कैंसिल करते हैं। अब हमारा काम सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व करना रह गया है। तो 42 एक्स माइनस 30 एक्स इज इक्वल टू 209 माइनस 185, इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 एक्स इज इक्वल टू 24 एक्स इज इक्वल टू 2। हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा नंबर ऐड कर दें कि वो चारों क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में आ जाएं। हमने कहा था वो नंबर x है, और अब हमने निकाल लिया वो नंबर x है। तो x इज इक्वल टू 2, यानी आप 2 ऐड कर दीजिए तो चारों क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। इस क्वेश्चन को नोट करिए, आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं।